बोया का BY V10, बोया का BY V20, बोया का BY V1 या फिर बोया का ये वाला BY V2 माइक। अगर आप इनमें से कोई भी एक माइक लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि कैसे यूज करते हैं इस वाले माइक को आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। यानी कि आप लेने से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि इस माइक को यूज कैसे करते हैं, जो कि बहुत जरूरी चीज है। बहुत सी बार ऐसा होता है आप ले लेते हो लेकिन पता नहीं पता है कि यूज कैसे करना है उस चीज को, या फिर वो यूज करने में ईजी है या नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा। तो पहले ही आज की इस वीडियो को देख लो ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाला जो माइक है किस तरह से यूज होता है, कनेक्ट कैसे होता है, और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये यूज करने में आसान है या फिर आपको इसको यूज करना मुश्किल है, सारी बातें आज के इस वीडियो में पता लग जाएगी आपको इसको यूज करने से रिलेटेड। तो वीडियो में बने रहो। तो यूज कैसे करते हैं ये बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, गंदी चीज होती है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत ही कमाल का वीडियो है, और साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास में अपना आईफोन और साथ में ये बोया का BY V2 माइक सेट। इसके अंदर ये दो ट्रांसमीटर हमें देखने को मिलते हैं और एक ये जो है ये रिसीवर है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो मेरे पास में वर्जन है ये है आईफोन का वर्जन। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रिसीवर है इसमें जो पोर्ट दिया हुआ है वो लाइटनिंग पोर्ट है, जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से आप इसको अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड वाला वर्जन लेते हैं बोया के इस वाले माइक सेट का, तो आपको इस लाइटनिंग पोर्ट की जगह पर आपको USB Type-C वाला पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का रिसीवर आता है दोस्तों इसके साथ में। अब सिंपली इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है, जो हमारे पास आईफोन है, उस आईफोन के अंदर सिंपली हमें जो रिसीवर है इसको इसके चार्जिंग पोर्ट में यहाँ पर नीचे हमें सिंपली इसको प्लग कर देना है। जैसे ही हम इसको प्लग करेंगे आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये ब्लू लाइट जो है ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू लाइट है ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है। अब यहाँ पर ये जो दोनों ट्रांसमीटर है, इन दोनों ट्रांसमीटर में मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये जो ट्रांसमीटर है इस ट्रांसमीटर में यहाँ पर राइट साइड में दो बटन दिए हुए हैं, एक के ऊपर पावर का सिंबल है और दूसरे के ऊपर NR लिखा हुआ है। तो ये जो पावर वाला बटन है, इस पावर वाले बटन को सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, केवल 2 सेकेंड के लिए इस पावर वाले बटन को प्रेस करके रखना है। और ये देखिए यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करने लग गई है। अब आप अगर ये देखेंगे यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रही है, कनेक्ट नहीं हुई है इसके साथ में। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमारा फ़ोन लॉक है, इसीलिए मैंने फ़ोन को लॉक किया था कि आपको बता सकूं। हमें अगर कनेक्ट रखना है इस ट्रांसमीटर को रिसीवर के साथ में, तो सिंपली हमें इसका लॉक ऑन करना है, यानी कि इसकी डिस्प्ले ऑन होनी चाहिए। इसकी डिस्प्ले ऑन होते ही जैसे ही ये इसको पावर मिलेगा रिसीवर को, ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा। आप देखो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर चुकी है, यहाँ पर ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है और यहाँ पर भी ये ब्लू लाइट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी ये ब्लू लाइट आपको नज़र आ रही है दोनों के अंदर। इसी तरह से मैं दूसरा वाला जो इसका ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर को भी जो है आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी इसमें भी वही पावर बटन और NR का बटन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सिंपली पावर वाले बटन को हमें 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, और जैसे ही ये आपने प्रेस किया ऑन होगा। ऑन होने के बाद में अब आप देखेंगे दोनों के अंदर लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी ये देखिए दोनों के अंदर अभी लाइट ब्लिंक कर रही है, और सिंपली आपको करना यह है डिस्प्ले ऑन करनी है ताकि रिसीवर को जो है पावर मिले। जैसे रिसीवर को पावर मिलेगी ऑटोमेटिक दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और अब आप इनको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन का लॉक खोलना है और जो भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है आपको अपना कैमरा ऑन करना है, और कैमरा ऑन करने के बाद में आपको सिंपली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसमें ब्लू लाइट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, और दोनों में इनमें भी ब्लू लाइट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो सिंपली आपको अपना कैमरा ओपन करना है, और कैमरा ओपन करने के बाद में आप अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। यानी कि आपको सिंपली इस रिसीवर को एक बार प्लग इन करना है अपने फ़ोन में, और उसके बाद में इन दोनों को पावर ऑन करना है। और पावर ऑन करते ही सिंपली ये कनेक्ट हो जाएगा रिसीवर के साथ दोनों ट्रांसमीटर, और आप यूज़ कर सकेंगे बड़ी आसानी से, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। ये जो NR का बटन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसका मतलब है नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ रिड्यूस कर देता है ये। तो इसको सिंपली चालू कैसे करना है, सपोज अगर आपके जहाँ पर भी आप वीडियो बना रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर नॉइज़ है, तो अगर आपको उसको रिड्यूस करना है तो सिंपली इस बटन को आपको जस्ट एक बार प्रेस करना है, बस ऐसे क्लिक करके प्रेस कर देना है, और ये ब्लू लाइट जो है ब्लू से ग्रीन हो जाएगी। तो देखिए सिंपली मैं अभी आपके सामने यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ।
ये देखिए ये ब्लू से ग्रीन हो गई है। अब एक में ब्लू है एक में ग्रीन है, यानी कि इस वाले माइक में जो है आपको नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो चुका है, इस वाले माइक का नहीं। तो सिंपली इसका भी अगर आपको ऑन करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली एक बार यहाँ पे जो NR वाला बटन है सिंपली एक बार इसको बस प्रेस कर देना है। और ये जो दोनों माइक है, दोनों ट्रांसमीटर है, इनके अंदर अब ग्रीन लाइट जल चुकी है और दोनों से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने कैमरा ओपन कर रखा है, अब ये दोनों नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो, दोनों ट्रांसमीटर का नॉइज़ रिडक्शन ऑन है और ये रिसीवर में पावर आ रही है और आप अब इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई नो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी आगे वीडियोस डालने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।